हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का फिफ्थ वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सिंबॉलिक लिंक फाइल का ओनर और ग्रुप सेटिंग कैसे चेंज किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने किसी फाइल या डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करना हमने सीखा था। इस वीडियो में हम किसी सिंबॉलिक लिंक फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करना सीखेंगे। इसके लिए हम CHOWN कमांड इस प्रकार यूज करेंगे, CHOWN स्पेस ओनर कॉलन ग्रुप नेम स्पेस उस सिंबॉलिक लिंक फाइल का आपको नेम टाइप करना है जिसका ओनर और ग्रुप ओनर आप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है माई लिंक, जो कि test.txt फाइल का रेफरेंस लिंक है। ठीक है, रेफरेंस है। और इस माई लिंक फाइल को मैं ओनर असाइन करना चाहता हूँ एडमिन, और ग्रुप असाइन करना चाहता हूँ माई सोल्यूशन। तो उसके लिए कमांड होगा CHOWN स्पेस एडमिन कॉलन माई सोल्यूशन स्पेस माई लिंक। जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड क्या करेगा कि ये जो रेफरेंस लिंक है माय लिंक, ठीक है, जिस फाइल या डायरेक्टरी का रेफरेंस है, ठीक है, ये उस फाइल और डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करेगा। यानी ग्रुप और ओनर और ग्रुप सेटिंग किसकी चेंज होगी, जिसका ये रेफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो माय लिंक फाइल है, माय लिंक सिंबॉलिक लिंक है, ये किसका रेफरेंस है, test.txt। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ओनर और ग्रुप ओनर सेटिंग किसकी चेंज होगी, test.txt फाइल की। ठीक है, यदि आप इस लिंक का चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CHOWN कमांड के साथ में -h ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उस लिंक सिंबॉलिक लिंक फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करेगा, न कि उसकी रेफरेंस फाइल का। ठीक, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। टर्मिनल ओपन कीजिए, मैं एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूं cd/etc माय सॉल्यूशंस ls-l। यहां पर आपको एक डायरेक्टरी डिस्प्ले हो रही है ओनर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर देता हूं ln-s, और उसके बाद उस डायरेक्टरी या फाइल का पाथ आपको असाइन करना है जिसकी आप सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके बाद उस लिंक को जो भी आपको नेम असाइन करना है वो नेम टाइप कीजिए। देखिए, यहां पर एक लिंक क्रिएट हो चुकी है ओनर डायरेक्टरी की माय लिंक। ठीक है, तो अब आप इस लिंक के थ्रू भी इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ls-l माय लिंक, तो देखिए ये जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है आपको, ये एक्चुअली ओनर डायरेक्टरी का है। ठीक है, तो आप लिंक इस लिंक की सहायता से भी वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो ओनर डायरेक्टरी को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब मैं माय लिंक डायरेक्टरी का माय लिंक सिंबॉलिक लिंक फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर में चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको मैं माय सॉल्यूशंस ओनर असाइन करना चाहता हूं और माय ग्रुप इसको ग्रुप असाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होगा CHOWN स्पेस माय सॉल्यूशंस कॉलन माई ग्रुप, और उसके बाद उस लिंक फाइल का आपको नेम टाइप करना है। तो यहां पर ये एरर शो कर रहा है माय सॉल्यूशंस इनवैलिड यूजर। ठीक है, तो हमने स्पेलिंग गलत लिखा था, माय सॉल्यूशंस यहां पे एन टाइप करना भूल गए थे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद आप चेक कर लीजिए, तो देखिए यहां पर ये जो सिंबॉलिक लिंक फाइल है इसका ओनर और ग्रुप ओनर चेंज नहीं हुआ है। ये ओनर और ग्रुप ओनर किसका चेंज हुआ है, ओनर डायरेक्टरी का। हमने जो ग्रुप ओनर असाइन किया था माय सॉल्यूशंस और ग्रुप असाइन किया था माय ग्रुप, ये किसका चेंज हुआ है, ओनर डायरेक्टरी का चेंज हुआ। जबकि यहां पर देखिए पहले ओनर डायरेक्टरी का जो ओनर और ग्रुप था वो था रूट। ठीक है, और यहां पर अब इसका जो ओनर है वो हो गया माय सॉल्यूशंस और इसका ग्रुप हो गया है माय ग्रुप। ठीक है, तो इस सिंबॉलिक लिंक फाइल पर कोई भी फर्क, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि जो ओनर और ग्रुप असाइन किया है वो इस लिंक को असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस कमांड के साथ में -h ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, तो देखिए इस बार जो ओनर और ग्रुप सेटिंग चेंज हुई वो किस फाइल की हुई है,
उस सिंबलिक लिंक फाइल की चेंज हुई है। लास्ट कमांड हमने क्या, लास्ट कमांड जब हमने एग्जीक्यूट किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या हो रहा था कि जो ओनर टू ग्रुप सेटिंग चेंज होगी वो किसकी होगी, जिसकी वो रेफरेंस होगी, ठीक है, जिस फाइल या डायरेक्टरी का वो रेफरेंस होगा, यानी सिंबलिक लिंक जिस फाइल और डायरेक्टरी का रेफरेंस होगा उस फाइल और डायरेक्टरी की ग्रुप और ओनर सेटिंग चेंज होगी। यदि आप किसी सिंबलिक लिंक का ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको chown कमांड के साथ में -h ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो हमने सीखा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सिंबलिक लिंक फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर कैसे चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।